देवास की टोंक खुर्द में पंचायत चुनाव ने अपना रंग जमा दिया है और इसी रंग में नेता, समाजसेवी, कर्मचारियों की पत्नी तो कहीं गरीब वर्ग के लोग रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इस चुनावी महाकुंभ में सरपंच पद के 2 से 9 कोणीय संघर्ष नहीं बल्कि पिपलिया सड़क ग्राम पंचायत में 11 महिला दावेदार हैं जो कि सरपंच पद के लिए अपनी किस्मत आजमा रही है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। जी हाँ, टोंकखुर्द में रसूखदारों ने अपने परिवार वालों को पंचायत चुनाव में उतार दिया है जिसमें शासकीय कर्मचारी भी शामिल है। तो वहीं यहां पर कई गरीब वर्ग के लोग इज्जत और शान की खातिर मोटी ब्याज दर पर कर्ज लेकर भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं जो कि मतदाताओं के सामने धोख पड़वा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच जनपद पंचायत के सदस्य पद हेतु वार्ड क्रमांक 2 से किशोर पटेल तथा वार्ड क्रमांक 9 से शेष नारायण पटेल एक सशक्त दावेदार माने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जीत का दावा पेश किया। ठीक कहा आपने कि मैं जनपद पंचायत टोंकखुर्द के वार्ड क्रमांक 2 से सदस्य पद के लिए उम्मीदवार हूँ जी। इस क्षेत्र में बरखेड़ा पिपलिया सड़क भटोनी परमार गाँव शामिल है जी। पर आज इन गाँव में मूलभूत सुविधाओं व अन्य विकास कार्यों में शिक्षा, पेयजल तथा शासन की अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं यह क्षेत्र पिछड़ा है। इतना ही नहीं, ऐसे सैकड़ों पात्र है व्यक्ति है तथा केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं भी पंचायत तक सीमित रह गई है। समय के बदलाव में मुझे ग्रामवासियों की प्रेरणा से वार्ड क्रमांक 2 से दावेदार बनाया है। वे सभी आशीर्वाद मतदाता झोपड़ी पर मोहर लगाकर भारी बहुमत से विजय बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने जनपद पंचायत वार्ड क्रमांक 9 से काम डाला है जिसमें गांव आते हैं चिरावत, धतूरिया, पारेड़ी, भैरवाटी। चारों गांव के विकास के लिए मैं भरपूर प्रयत्न करूंगा, जैसे कि सड़क, बिजली, पानी की समस्या जो भी होगी मैं आगे से भी करता आया हूँ, आगे भी करता रहूँगा। जैसे कि क्षेत्र के लोगों की मदद मैं पहले भी करता था, आगे भी करता रहूँगा। मुझे सभी मतदाता, चारों गांव के मतदाताओं का भरपूर सहयोग है, आशीर्वाद मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। टोंकखुर्द के पंचायत चुनाव में पंचायतों में चिड़ावत ग्राम पंचायत सरपंच पद के लिए 2 पूर्व सरपंचों में ललिता रुस्तम सिंह पटेल तथा लक्ष्मी कमल चंद्रवंशी के बीच कांटे की टक्कर है जिसमें मतदाताओं की तरफ सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, टोंकखुर्द।